बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और ऐसे हम बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों का हाल जानने के लिए बेगूसराय खगड़िया के सीमावर्ती इलाके में हैं। आपका क्या नाम हुआ? आपका दिलीप यादव। इस गांव का क्या नाम हुआ? हीरा टोल। यहाँ बाढ़ की क्या स्थिति है? बहुत बहुत गड़बड़ है। बहुत दिन जब से मेरा होश हुआ है ना। लोगों के घरों में कब से पानी है? यार 10 दिन से घर में पानी है। अच्छा, प्रशासनिक स्तर से क्या कुछ पहल? कुछ नहीं। देख लीजिए, छत पर आदमी सब ऐसे वैसे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोगों लोग जो है अपना गुजर बसर जो है छत पर रह रहे हैं। आपके घर में कितने दिनों से गंगा का पानी है? 10 रोज से है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। हम हसान रोड पर अगर नहीं है। आप लोग रोड पर हैं? हाँ। सरकारी स्तर से क्या कुछ मदद मिली है? अभी कुछ नहीं मिली है। ये जो किचन शुरू हुई है, खाली कल से शुरू हुआ है। किस चीज में खाना दिया जा रहा है? पत्ता में या प्लेट में? पत्ता में दिया है। फोम में। क्या नाम हुआ आपका? राम विलास यादव। बाढ़ आपके घर में आया? हाँ हाँ, 10 दिन से पानी आ गया है। क्या परेशानी? क्या पूरे परेशानी? माल जाल बकरी नेमना लोग बेच पोटल बुल रहे हैं। क्या मदद क्या मिल रही है? कुछ नहीं मदद, सिर्फ खाली खाना के लिए कल से व्यवस्था हो गया। हम लोग धूप में मर रहे हैं, बाल बच्चा बिल्कुल बुर रहा। पनीर वगैरह कुछ नहीं मिला है। घंटा बाढ़ में भींगे हुए रहे, पूरा भींगे रहते हैं। घर भी जाते हैं तो साला यहाँ बुरा हालत रहता है। घर में खाना जो है छत पे बना रहे हैं या कैसे? छत पे बना रहे। खाने के भी साधन नहीं है घर में। बच्चे का रात में गिर गया, रात्रि में 11 बजे रात में उसको जाके। ये दर्द जो है बाढ़ का आपको हर साल सहना पड़ता है? हम तो लग रहा है शुरू से जब से हम पैदा ले हम कोई बारे हम देख रहे हैं। खतरा की बात की जाए तो क्या खतरा? खतरा तो बहुत है। लाइन का, बिजली का खतरा है, कभी भी मौत आ सकता है। इंसान का कोई गारंटी नहीं। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में जो बाढ़ आता है बच्चों की मौत भी होती है? बच्चे बहुत मौत हुआ है, काफी बार डूबा भी है। अभी आप लोग बाढ़ में भींग रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सरकारी स्तर पर इलाज की व्यवस्था है? कल से भी इलाज शुरू हुआ है, शाम आया है। उसके बाद 8 दिनों के बाद जब हमने इस इलाके की कहानी दिखाई तब यहाँ पे। हाँ, यहाँ ये हुआ, ऐसा ही हुआ है। आप समझ सकते हैं कि स्थानीय लोगों का जो है क्या दर्द है और इनके दर्द को सुनने वाला जो है कोई नहीं है। एक और भले ही जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बिहार सरकार के मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा बंद पर तो करते हैं, लेकिन जो है उनसे जो लोगों की उम्मीद है, यहाँ के इलाकों के लोगों की उम्मीद है, उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। पिछले 8 दिन से ये लोग बाढ़ की चपेट में है और अभी तक जो है ग्राउंड जीरो की बात करें तो शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।